आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की पहली ई विधानसभा हो गई है। हाईटेक हुई व्यवस्था के बाद सदन की कार्यवाही नए लुक में नजर आएगी। विधायकों और मंत्रियों के साथ अब हाथ में अब कागज देखने को नहीं मिलेंगे। यूपी की पूरी कार्यवाही पेपरलेस होगी। सदस्यों के सवाल और मंत्रियों के जवाब टैबलेट पर प्रदर्शित होंगे। इसके लिए सदन की सभी सीटों पर टैबलेट लगाए गए हैं। विधानसभा सत्र से पहले सभी सदस्यों और विधानसभा तथा सचिवालय के अधिकारियों का ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे विधानसभा को हाईटेक कर दिया गया है और विधानसभा सत्र की कार्यवाही पूरी तरह से हाईटेक होगी। सभी मंत्रियों को 2 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जहां 23 तारीख से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, तो वहीं 21 और 22 को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा और आज ई विधानसभा का उद्घाटन होगा। और इस उद्घाटन को करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, साथ ही साथ उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो देश की पहली ई विधानसभा यूपी की विधानसभा होगी। और आपको बता दें कि इससे पहले जब बजट सत्र पेश किया गया था वो डिजिटल माध्यम से ही पेश किया गया था। इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज 11 बजे ई विधानसभा का उद्घाटन होगा, पूरी तरह से सदन की कार्यवाही पेपरलेस होगी, क्या कुछ देखने को मिलेगा इस बार नया? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज ई विधानसभा का जो सिस्टम है उसको लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि 23 मई से 18वीं लोक विधानसभा और योगी सरकार 2.0 का पहला बजट सत्र 23 मई से शुरुआत हो रहा है। आपको बताएं कि विधानसभा में पहले 379 सीट हुआ करते थे, जिसको बढ़ाकर अब 403 कर दिया गया है। पहले ये माना जाता था कि सभी विधानसभा के सदस्य एक साथ मौजूद नहीं रहेंगे, मगर ई विधानसभा में आपको बताएं कि 403 सीटों पर सभी सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी कि टैबलेट लगाए गए हैं। टैबलेट के में प्रयोग में आने वाले पेन लगाए गए हैं, जिसमें आपको बताएं कि विधानसभाओं की तमाम दिक्कतें होती हैं, वो इन दिक्कतों को जो विधायक गण होंगे उन्हें लिखेंगे, साथ ही साथ स्पीकर से वो अनुमति यहाँ से ले सकेंगे। अनुमति लेने के बाद उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं सतीश महाना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहले विधानसभा के जब सत्र होते थे तो तमाम विभागों की शिकायतें और तमाम विभागों को सुझाव और उनके काम करने के लिए आदेश दिए जाते थे, तो उन्हें पत्र के माध्यम से भेजा जाता था, मगर ई विधानसभा के बाद मेल के थ्रू सभी डिपार्टमेंट को, जिनको भी संबंधित विभाग होंगे, उन्हें मेल या किसी माध्यम से उन्हें ये सूचना चली जाएगी और उस पर काम करें। तो कहीं ना कहीं देखें तो जो पेपर वर्क था जिसमें लंबा समय लगता था उसमें समय कम लगेगा। वहीं शिखा आपको बताएं कि ई विधानसभा से ठीक पहले कल विधानसभा में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। आपको बताएं कि विधानसभा के अंदर में कल सूबे के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ समेत संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना की मौजूदगी में विधानसभा के अंदर कई बदलाव किए गए, जिसमें पिक्चर गैलरी की कल शुभारंभ की गई, साथ ही साथ विधानसभा में ऐसी कई सारे मरम्मत का काम हुआ जो का शुभारंभ किया गया। वहीं आपको बताएं कि रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरों को अब नए तरीके से लगाए गए। आपको बता दें कि पिछले पहले भी ये तस्वीरें विधानसभा में होती थी, मगर उसका स्थानांतरण करते हुए से नए लवरेज और नए तरीके से उसे अब विधानसभा के अंदर में लगाया गया है। वहीं आपको बताएं कि आप ई विधानसभा की शुभारंभ 11 बजे से हो रही है, जिसमें आपको बताएं कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके द्वारा आज ई विधानसभा का शुभारंभ किया जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि ई विधानसभा शुभारंभ के दौरान तमाम जो जिम्मेदार हैं विधानसभा के अंदर, साथ ही साथ सचिवालय के बड़े अधिकारी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं डिप्टी सीएम भी मौजूद होने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जो विधानसभा के स्पीकर हैं सतीश महाना, वो भी मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री एवं वित्त मंत्री
और सबसे वरिष्ठतम विधायक सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ संबंधित प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी मौजूद रहेंगे। इनकी मौजूदगी में आज विधानसभा की ई विधानसभा लागू की जाएगी और कल से जो प्रशिक्षण है उसकी शुरुआत होगी। प्रशिक्षण के बाद 23 मई से विधानसभा का 18वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र 23 तारीख से पेश होगा। जी शिखा, विभाषियों का विपक्ष की बात करें तो विपक्ष से कौन मौजूद रह सकता है इस उद्घाटन में? जी शिखा, आपको बताएं कि ई विधानसभा लागू करने के दौरान जो तमाम विरोधी दल के नेता हैं, जो अन्य चाहे बात की जाए सुभाषपा, चाहे बात की जाए वालों, चाहे बात की जाए मायावती की पार्टी बसपा, चाहे बात की जाए प्रियंका गांधी की अगुवाई में अभी होने वाली कांग्रेस, इन सभी पार्टियों के बड़े नेता और दिग्गज नेताओं को अब नेता विरोधी दल को बुलाया गया। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी आमंत्रण भेजा गया है। ये अगर देखें तो ये लोकतंत्र का एक प्रणाली का हिस्सा है जिसमें विधानसभा चलता है, साथ ही साथ विधानसभाओं की समस्याओं को रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष जो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव उनकी भी मौजूदगी मानी जा रही है। मगर आपको बताएं कि तमाम अटकलों के बाद ये अब देखने वाली बात यह होगी कि 11 बजे जब शुभारंभ होता है तो कौन कौन मौजूद होता है। अब 11 बजे शुभारंभ के बाद ये कह सकेंगे कि कौन आया और कौन है। आपको बताएं कि कल से एक तरफ परीक्षण हो रहा है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक बैठक की जा रही है, जिस बैठक में पक्ष सरकार को घेरने की तैयारी के लिए जो समाजवादी पार्टी के 111 विधायक हैं और अगर सहयोगियों को जोड़ के देखें तो 125 विधायकों की कल एक बैठक होगी, जिसमें विधानसभा की कार्रवाई जो हो रही है 23 से उसमें पक्ष सरकार को घेरने की तैयारी की रणनीति बनाई जाएगी। जी सका जी विभाषियों, पेपरलेस होने की वजह से पेपर की तो बचत होगी ही कार्यवाही के दौरान, लेकिन जो अहम चीजें होती है, जो डाटा होता है उसको सेव रखने में कितनी मदद मिलेगी? जी बेशक अगर बात करें तो पेपर लेस सोसाइटी का जो एक गठन किया जा रहा है, इसकी इस मुहिम की शुरुआत कई बार की गई है, मगर ये बहुत ही तारीफ की बात है कि विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस किया गया, जिससे साफ तौर पे जो स्पीकर हैं सतीश महाना उनकी तरफ से कहा गया कि अगर कोई समस्या होता है, कोई एजेंडा होता है या विधानसभा की तरफ से विधानसभा के जो कार्रवाई होती है उस दौरान जो निर्णय लिया जाता है, आदेश दिया जाता है, तो संबंधित एवं दस्तावेज को पैरा को पैरोकार के माध्यम से उन संबंधित विभागों में भेजने का काम किया जाता है, जिसको अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो ई विधानसभा प्रणाली की शुरुआत की जा रही है, इसमें सीधे जो समस्याएं होंगी या काम होगा वो सीधे उस विभाग को मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के माध्यम से उस विभाग को पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो देखें तो पेपर का जो पेपरलेस सोसाइटी बनाने की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा, और साथ ही साथ जो पेपर की बचत है, साथ ही साथ जो लकड़ियों से के द्वारा पेपर बनाए जाते हैं इस पे भी रोकथाम होगा, जिससे पेपर की जो पेपर की मांग है उसमें भी घटोतरी आएगी। पेपरलेस तो किया जा रहा है, साथ ही साथ सुविधाजनक भी हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि डिजिटल होने की वजह से जिस तरह से साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कितना सिक्योर रहेगा पूरी कार्यवाही के दौरान जो भी फैसले लिए जाते हैं वो कितने सिक्योर रहेंगे? जी शिखा, आपको बताएं कि अगर हम तर्क दें तो बीते महीनों आपने देखा कि तमाम ऐसे सरकारी ट्विटर हैंडल हैक कर लिए गए हैकर के द्वारा, और छेड़खाने के बाद उसे फिर से उसको चेंज करके और उसे पुराने प्रारूप में लाया गया। मगर आपको बताएं कि इसके बाद जो साइबर सेल था वो कहीं ना कहीं सतर्क हो गया और पूरे जो निगरानी रखता था कि साथ ही साथ जो टूल उनके होते हैं उनको पूरे तरह से प्राइवेसी के साथ यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती होगी जो साइबर टीम है विधानसभा की, साथ ही साथ जो उनको पूरा मॉनिटर जो टेक्निकल टीम है उसके लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती का विषय होगा कि विधानसभा में जुड़ी जो चीजें होती है जिसे साझा नहीं कर सकते हैं, उन सब चीजों को कैसे सिक्योर किया जाता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो साइबर टीम है वो तैयार होगी। और आपको बताएं कि विधानसभा के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर और जो भी फाइलें और दस्तावेज जाएंगी उस पर पूरी अगर देखे तो जो टेक्निकल टीम है और जो साइबर टीम है पूरी नजर बनाकर और पूरे मुस्तैदी के साथ उसका रखवाली करेगी।
और साथ ही साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पे नजर बनाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं पेपरलेस तो हो ही रही है, डिजिटल हो रही है इस बार विधानसभा की कार्यवाही, लेकिन कई चुनौतियां भी होंगी। रुक करते अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आज 27 महीने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं और वो सीतापुर जेल में बंद थे। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब उन्हें लेने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे, जिसके बाद जेल से निकलकर आजम खान सबसे पहले पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे, जहां से उनका काफिला रामपुर के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी। शाम 5:30 बजे तक आजम की रिहाई के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी जेल तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वो कल रिहा नहीं हो पाए थे, लेकिन आज सुबह ही उनको रिहा कर दिया गया है। तो सपा के लिए बड़ी खबर है, आजम खान के लिए एक बड़ी और खुशखबरी है। ये 27 महीने का जो जेल यात्रा थी उसको पूरी करके आज रिहाई मिल गई है आजम खान को सीतापुर की जेल में। काफी लंबे समय से बंद थे आजम खान और आज जब उनकी रिहाई हुई है, उनके परिवार और साथ ही साथ समर्थकों में काफी खुशी भी देखने को मिली। और इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, 27 महीने के जेल यात्रा के बाद आज आखिरकार आजम खान को रिहाई तो मिल गई है, लेकिन बाइज्जत बरी अभी भी नहीं हुए हैं और कई बात भी कही जा रही है। काफी लोग समर्थन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, परिवार और समर्थकों में काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? जी, आपको बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को 814 दिनों के बाद जो है जेल से रिहा होना हुआ है। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आंतरिक जमानत दी है, साथ ही साथ आपको बताएं कि उनके ऊपर लगभग 89 केस दर्ज थे, जिसमें आपको बताएं कि लगभग केसों में उन्हें जमानत मिल गई है और कुछ में बाइज्जत बरी किया गया है। साथ ही साथ अवैध तरीके से जमीन हड़पने के आरोप में भी उनको अब जमानत मिल गई है। आज सुबह जब सूर्योदय होता है तो उनको जमानत मिलती है, उनको रिसीव करने सपा के विधायक एवं आपको बताएं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव उनकी अगुवाई करते हैं। साथ ही साथ इस दौरान आजम खान के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम एवं उनके छोटे बेटे अदीब वहां मौजूद रहते हैं। साथ ही आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अंशु मलिक भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। इन सभी नेताओं की अगुवाई के बाद आजम खान जेल से बाहर आते हैं और उसके बाद सीतापुर स्थित पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर जाते हैं और उनके घर जलपान करते हैं, साथ ही साथ उनसे मुलाकात करते हैं। वहीं आपको बताएं कि आजम खान को रिहाई के वक्त पूरे सीतापुर जेल को एकदम छावनी में तबादला कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन के हर एक इंतजाम किए गए थे, हर एक टुकड़ियों को लगाया गया था। साथ ही आपको बताएं कि जब उनका रिहाई हुआ तो कार्यकर्ताओं की इतनी अच्छी खासी वहां तादाद लग गई थी कि ये भीड़ का हुजमा उन्हें रामपुर की तरफ छोड़ने के लिए निकल चुका है। और मिली जानकारी के अनुसार अब आजम खान का काफिला रामपुर पहुंचने ही वाला है। वहीं आपको बताएं कि अखिलेश यादव की तरफ से जब उनकी रिहाई तो उनकी तरफ से उनका स्वागत किया गया। साथ ही आपको बताएं कि तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनकी तरफ से ट्वीट किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं आजम खान जो 814 दिनों के बाद उन्हें जेल से उन्हें जो अंतरिम जमानत मिली है, तो कहीं ना कहीं अब देखें तो 23 मई से होने वाले जो विधानसभा के सत्र हैं तो उसमें आजम खान अपना पक्ष रखते हुए दिखेंगे और उन सभी जो उनकी तरफ से कहा जाता था कि जेल में हमें यातना दिया जा रहा, तो उन सभी यातनाओं के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही वो अपने ऊपर लगाए गए जो आरोप है, साथ ही साथ जो उनसे सिद्ध हुए हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 मई से जब विधानसभा के सत्र शुरू होते हैं तो आजम खान की तरफ से क्या कहने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो आजम खान को लंबे समय के बाद जेल से रिहाई मिली है और काफी खुशी देखने को मिल रही है उनके समर्थकों के बीच। सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया था। काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और जब आजम खान की रिहाई हुई तो पूर्व विधायक अनूप गुप्ता का बयान भी सामने आया है, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है, क्या कुछ कहा है आप भी देखिए। अब ऐसा है कि जैसे कि अब इनका परिवार बैठा है यहाँ पर आए और यहाँ पर परिवार उनका जैसे आया तो हमारा फर्ज था
कि अगर कोई भी आया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इनका जो भी ख्याल कर सकते हो करना, तो जेल हमारे पड़ोस में है, सबसे पड़ोस में हमारा 100-200 मीटर पर जेल है। अब जैसे उनका बेटा या बहू सुबह सुबह 8 बजे आ गए, 9 बजे तक पर्ची लगती है, 9 बजे तक पर्ची उन्होंने लगाई, 9-10 बजे तक पर्ची लगती है, तो पर्ची लगाने के बाद मुलाकात होती है 1-1.5 बजे, तो 2-3 घंटे जैसे बैठना होता था, तो उनका परिवार के लोग यहाँ बैठते थे, आए रुके बैठे, तो जब बैठे तो अटैचमेंट अपने आप बढ़ जाता है, एक पारिवारिक अटैचमेंट अपने आप, जब एक बार हो दो बार हो आना जाना होता है, तो ये सब चीज़ें होती है कि उनकी मदद का, ये समझ लीजिए कि कह सकते हैं कि उनके परिवार का जो भी व्यक्ति आया या कोई भी खबर आई तो कोई चीज़ हुआ तो ये कर दिया जाता है, पर्ची लगाना, फ़ोन कर दिया कि भाई यहाँ पर्ची लगवा दीजिए जा करके, ये सब चीज़ें हुई। बाकी कोई बीमार भी चल रहे थे जेल में काफी, बीमार से मुलाकात हुई तो उनका स्वास्थ्य कमजोर लग रहा था, कमजोर लग रहा था। तो 27 महीने के बाद रिहाई हुई है आजम खान की। आपको बता दें कि उनके समर्थकों का तांता लग गया था जेल के बाहर, उनको लेके जाने के लिए, वहां से विदा कराने के लिए। आपको बता दें कि 5:30 बजे तक आजम की रिहाई के आदेश सर्टिफाइड कॉपी जेल तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वो कल रिहा नहीं हो पाए थे और आज सुबह इसीलिए उनको जेल से रिहाई दी गई है। और तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप, आजम के दोनों बेटे शिवपाल सभी पहुंचे, लेकिन अभी भी एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव नहीं पहुंचे आजम खान से मिलने, उनको रिहा कराने, क्योंकि 27 महीने की जेल के बाद वो बाहर निकले और सबको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आएंगे, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर आजम का स्वागत तो किया है लेकिन वो जेल नहीं पहुंचे हैं। और क्या नाराजगी देखने को मिलती है इस बात को लेके, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो बाकी के दल हैं वो कहीं ना कहीं आजम खान को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश में भी हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान कुल 89 मामलों के चलते जेल में थे, लेकिन 88 में पहले उनको जमानत मिल गई थी और कल 89वें मामले में भी उनको जमानत मिल गई, जिसके बाद आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। काफी खुशी का पल देखने को मिल रहा है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव खुद सीतापुर जेल पहुंचे थे आजम खान को लेने, आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब भी उनके साथ मौजूद रहे, जेल से सीतापुर जेल से लेने के लिए पहुंचे, जिसके बाद जेल से निकलकर आजम खान सबसे पहले पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। काफी खुशी देखने को मिल रही है सभी सपा समर्थकों में, क्योंकि सपा के कद्दावर नेता हैं आजम खान। और इस खबर में हमारे साथ मोहम्मद अब्बास जी जुड़ चुके हैं, पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं सपा सरकार में। अब्बास जी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि इतने बड़े कद्दावर नेता जिनका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है सपा में, अच्छा खासा योगदान रहा है, काफी लंबे समय तक जेल में रहे और आज जब वो रिहा हुए हैं, काफी खुशी देखने को मिल रही है सपा कार्यकर्ता नेता सभी के बीच, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? देखिए, गीता में स्पष्ट आया है कि सत्य पराशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आजम खान एक सच्चाई है, आजम खान की ईमानदारी सच्चाई है, आजम खान लोगों के लिए, आम आदमी के लिए काम करते हैं, आजम खान जमीन के आती हैं, इसलिए उन्हें परेशान करने के लिए और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान साहब को बिना वजह सौयों मुकदमे लगाकर जेल में रखा और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। ये ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। आजम खान साहब बाहर आए, हम सुप्रीम कोर्ट का, न्यायिक व्यवस्था का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे जो गलत कार्य को रोका, संविधानिक विरोधी कार्य को रोका और आजम खान साहब की रिहाई संभव हुई। जी अब्बास जी, एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अखिलेश यादव उनको लेने नहीं आए, लेकिन हाँ शिवपाल जरूर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शिवपाल जी आ गए हैं, अखिलेश जी भी आ जाएंगे, सब आगे पीछे सब हो जाएगा। आजम खान साहब पार्टी की, समाजवादी पार्टी की लीड कहती है, बैकबोन है, संस्थापक सदस्य है। श्री मुलायम सिंह यादव जी, नेता जी ने हमेशा उनका बहुत सम्मान किया,
अक्षय जी बहुत सम्मान करती है और समाजवादी पार्टी का बच्चा बच्चा उनका बहुत सम्मान करता है और करता रहेगा जी। इस बार की जो कार्यवाही है विधानसभा की कार्यवाही 23 तारीख से शुरू हो रही है, तो क्या उसमें भी पक्ष रख सकते हैं? जिस तरह से उनका आरोप रहा है, सपा के नेताओं का भी आरोप रहा है, काफी प्रताड़ित किया गया जेल में, तो क्या इन बातों को भी रख सकते हैं विधानसभा की कार्यवाही के दौरान? ये उनका अधिकार है, सदन के सदस्य है और कद्दावर नेता है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, बहुत सारे विभाग को चलाया है, सरकार चलाने का अनुभव है और विधानसभा के सदस्य होने के नाते अगर विधानसभा के सदस्य पे कुछ दुरुचितम अत्याचार और सरकार करती है तो अच्छा मंच और रखने का होता कहाँ है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। साधारण सदस्य भी कोई होता तो वो भी अपनी पीड़ा को सदन में रखता है ना जी। आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जब इनसे कोई तकलीफ हुई थी तो उन्होंने भी अपनी पीड़ा लोकसभा में सदन के सदस्य थे, अपनी पीड़ा वही व्यक्त की थी। तो आज आजम खान साहब खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं तो इससे अच्छा मंच और कहाँ होगा विधानसभा में जी। बिल्कुल, करोड़ लोग इसको देखती है सुनती है जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ मोहम्मद अब्बास जी जुड़े थे, पूर्व राज्य मंत्री सपा से, और उन्होंने अपने पक्ष रखा। काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है सपा में इस वक्त। सपा के साथ साथ प्रसपा प्रमुख शिवपाल भी उनको लेने पहुंचे और काफी समय से मांग कर रहे थे, काफी गुजारिश भी की जा रही थी कि जल्द से जल्द आजम खान को रिहाई मिले, सभी इस बात की प्रार्थना भी कर रहे थे। और कहीं ना कहीं आज जब ये प्रार्थना सफल हुई है, काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बीते दिन जब ये फैसला आया कि आजम खान को रिहाई मिल रही है, तो उसके बाद समर्थक लड्डू बांटते हुए भी नजर आए, कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। और इस खबर पे अब हमारे साथ सपा से विधायक जुड़ चुके हैं हसन रूमी जी। हसन जी, आज आजम खान को रिहाई मिल गई है, किस तरह से देखते हैं? काफी खुशी की लहर है, क्या आप भी उनसे मिलने जा रहे हैं? दोनों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी सरकार के खिलाफ जो निर्णय दिया है, जो फैसला किया है, आज हमारे नेता बाहर, आज हम सबके बीच में, आज हम सब कार्यकर्ताओं का, विधायकों का बहुत मनोबल बढ़ा है जी। और मौका मिलते ही हम उनके आवास पर उनसे मिलने जाएंगे। आज तो हमारे सदन का उद्बोधन का दिन है जी। तो आज और कल तो हम लोग अपने उद्बोधन में भी रहेंगे, उसके बाद हम माननीय आजम खान साहब से मिलने जाएंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, उन्होंने भी अपने ट्विटर पे, अपने पेज पर उनकी रिहाई का वेलकम किया है। आजम खान की काफी तबीयत भी खराब रही जेल में, और ऐसा माना जा रहा था, उनके परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि सपा ने उनसे मुंह मोड़ लिया है और उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनकी रिहाई के लिए कुछ करा नहीं जा रहा है। लेकिन अब जब वो सभी मामलों में जमानत पा चुके हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जो सारे आरोप लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं झूठे साबित हो गए हैं? देखिए, आप जिनसे हमसे बात कर रही है, मैं भी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ जी। अगर सपा मुंह मोड़ लेती तो समाजवादी पार्टी का विधायक आज से उनकी रिहाई पर और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव उनकी रिहाई पर खुश नहीं होते जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठ रहे थे, तभी तो बाकी कांग्रेस के, प्रसपा के नेता उनसे मिलने गए। कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने जितने मुकदमे लिखाए हैं, तो कांग्रेस की कथनी उकरनी दोहरे चरित्र का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? ये जितने मुकदमे लिखे हैं सब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडरों के द्वेष के भावनाओं से लिखे गए हैं जी। आजम साहब बहुत बड़े नेता हैं, अपनी एक ही विधानसभा से लगातार 9 बार जीतने का कीर्तिमान उनके अलावा और देश में किसी का नाम नहीं है जी। आजम खान की रिहाई हो गई है, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या मजबूती के साथ सपा को मजबूती मिलेगी और एक बार फिर सारे मुद्दों को उठाया जाएगा सदन में? बिल्कुल मजबूती मिलेगी, आजम साहब का होना ही, हमारे बीच में सदन में रहना, अखिलेश यादव जी का हम लोग के लीडर की हैसियत में सदन में बैठना, ये हम सबको मनोबल बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये दोनों नेता जब हम लोग के बीच में होंगे तो निश्चित रूप में हम लोग अपने आप बहुत मजबूत होंगे और भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी जितनी भी नीतियां हैं उसका डट कर सदन में मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर, जहाँ पर उनकी महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से प्रदेश का माहौल बना हुआ है, उस सब का जवाब सदन में, सड़क से लेकर सदन तक देने में
हम लोग सक्षम रहेंगे अपने नेता के नेतृत्व में। जी हसन जी, आखिरी सवाल कि आज प्रसपा प्रमुख रिहाई के वक्त मौजूद रहे थे, अखिलेश यादव कब मिलने जा सकते हैं आजम खान से? देखिए, अब अखिलेश यादव जी का फैसला तो उनको मालूम है कब जा सकते हैं। अब जब हम लोग मिलेंगे तो हम बताएंगे आपको कब जा सकते हैं वो। जी, वो भी सदन में व्यस्त हैं और वो उन्होंने अपना प्रोग्राम निश्चित रूप में बनाया होगा और जो वो सब आपके सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ हसन रूमी जी, सपा विधायक जुड़े थे, जो की काफी खुश नजर आ रहे हैं आजम खान की रिहाई से। और आजम खान की रिहाई काफी अहम भी है सभी सपाइयों के लिए, क्योंकि जितने भी सपा के नेता थे वो काफी समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। कई बड़े आज कार्यकर्ता नेता सभी आजम खान से उनकी रिहाई के वक्त मिलने भी पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद देखने को मिली, क्योंकि काफी भीड़ भी थी और ऐसा भी माना जा रहा है कि रामपुर तक सब उन्हें छोड़ने भी पहुंच रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।